नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार फर्स्ट बाइट आपको मिलवाता है ऐसी शख्सियत से जिनसे ना सिर्फ देश भर में लोग प्रभावित हैं बल्कि दुनिया के सब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है कि लोग उनसे सीखना चाहते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नदी पुत्र के नाम से तेजी से विख्यात होते रमन त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। ये आपको बता दें कि आप नीर फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इन्हें हम नदी पुत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश और दुनिया में इस नाम से लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि कई नदियों का जिम्मा उठाया है रमन त्यागी जी ने। उनकी साफ सफाई से लेकर उनकी देखरेख तक हर चीज उन्हीं के मुंह से सुनेंगे उनकी अब तक के सफर की सारी दास्तान। तो बताइए सर, कब से ये सफर शुरू हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? ये सफर बड़ा लंबा रहा, इसलिए 2002 में हमने एक बीड़ा उठाया था कि कैसे हमारे देश की नदियाँ, हमारे देश का पानी, हमारे देश का पर्यावरण सुरक्षित हो, संरक्षित हो। तो उस विचार को लेकर के, उस सपने को लेकर के जो हमारे मन में था, काम शुरू किया। तो धीरे धीरे समझ बढ़ती गई और देखा कि समस्याएं बहुत हैं। जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ वो गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जहाँ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन जो वर्तमान में समस्याएं दिखीं वो सब बिगड़ रही थी। जैसे नदियां सब पोल्यूट हो गई, वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है, तालाब हमारे सब मिटा दिए गए, खेती का जो कार्बन मैटर है सोयल का वो लगातार घट रहा है। तो इन सब चीज़ों को बड़ी पीड़ा होती थी और ये भी सोचते थे कि हम सुबह से रात तक, जब सुबह उठते हैं और रात तक जब सोते हैं, तो कितना हम पर्यावरण से लेते हैं और उल्टे उसको देते क्या हैं, तो वो शून्य है। तो इस विचार को लेकर के हमने काम शुरू किया कि हमें अपनी नदियाँ भी बचानी हैं, हमें अपने तालाब भी बचाने हैं, हमें अपना वातावरण भी सही रखना है। जी, तो इस बीच मैं बता दूं कि नदियों से लेकर तालाबों और वर्षा के जल को भी संरक्षित करने के लिए आपने बहुत सारे कदम उठाए, अभियान चलाए। इसमें काली नदी बहुत ज़्यादा मेन रही जिसपे आप अभी भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हिंडन एक ऐसी नदी रही है जो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र साफ सफाई में इन्होंने तय किया है। कई लोग इनके साथ जुटे, इस पूरे बारे में जानेंगे सर जी, बताएं। बेसिकली काली नदी दो हैं इधर, एक काली ईस्ट है, काली वेस्ट है। काली ईस्ट जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है जी। तो जो कि मुजफ्फरनगर से वो स्टार्ट होती है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फरुखाबाद, कासगंज और कन्नौज, कन्नौज में जाकर के वो गंगा में मिलती है। बेसिकली हाईली पोल्यूटेड रिवर है। जब नमामि गंगे की हम बात करते हैं तो इस नदी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो ही पूरा का पूरा उसको एनक्रोच किया गया है पब्लिक द्वारा। तो एक तो उसको पुनर्जीवित करने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, दूसरा जो इसका पोल्यूशन है, जो इसके आसपास बसा समाज है, जो सभ्यताएं इसके साथ विकसित हुई वो भी वहाँ से उजड़ने के कगार पर हैं। उसके कारण हमने खोजे, इसकी एक टेक्निकल अध्ययन हमने पूरा किया कि कैसे नदी ये पोल्यूट हो गई और पहले कैसी थी, क्यों पोल्यूट हो गई, इसके पोल्यूशन में, पोल्यूट होने से समाज पे क्या प्रभाव पड़े। तो एक पूरा तकनीकी अध्ययन करके हमने भारत सरकार को इसका दिया था। उसके बाद इसको नमामि गंगे में शामिल किया गया, फिर इसकी सफाई का कैंपेन हमने किया 2 अक्टूबर को। और इसी प्रकार जो हिंडन रिवर है, हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि सहारनपुर से स्टार्ट होती है। हिंडन के साथ हमने एक अच्छा काम ये किया था कि उसके उद्गम को हमने खोजा, जो उद्गम आज तक मान के चल रहे थे जिस गांव को, वो उसका उद्गम है ही नहीं। तो हमने जो ब्रिटिश गजेटियर हैं, जो सेटेलाइट मैपिंग है, उसके अनुसार हम उसके उद्गम पे गए और वो वहाँ हमको पानी मिला। उसके अलावा उसको, उसका भी टेक्निकल अध्ययन करके हमने सरकार को दिया और उसका एक मैप तैयार किया, जो जिसको आज भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट, जहाँ भी वो मैप आज यूज हो रहा है, वो हमारा बनाया हुआ मैप है। फिर इसको हमने पब्लिक को इसके साथ जोड़ा, गांव-गांव में उनकी समितियाँ बनाई कैसे अपनी नदी को हम सेव कर सकते हैं। तो अगर इस अभियान से पहले की बात करूँ, बिल्कुल शुरुआती दौर की, तो कहाँ से आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ, क्योंकि पर्यावरण हमें इतना कुछ देता है लेकिन बदले में लोग यहाँ पर सिर्फ कचरा कर रहे हैं, जल की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि आपने सोचा कि नदियों की, तालाबों को या जल है, पर्यावरण, इनके संरक्षण के लिए आपको आगे बढ़कर कदम उठाना है? देखिए, मन में एक विचार था कि मुझे कहीं, जैसे कि आम परिवार में होता, मैं भी गाँव से निकला,
तो एक इच्छा होती है कि एक नौकरी की जाए, आप पढ़ाई पूरी होगी जॉब किया जाए, लेकिन मेरा मन था कि मुझे नौकरी नहीं करनी जी। कुछ अलग हटके कुछ काम करना है, पता नहीं था क्या करना है जी। लेकिन ये जरूर था कुछ अलग करना है। एक दो जगह परिवार के दबाव में कहीं नौकरियां एक एक दिन के लिए की, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा जी। तो मुझे ये फिर 2002 में एक शख्सियत थी अनिल राणा जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगा अब यही काम मुझे करना है। तो क्योंकि समस्या थी और वो मन का काम था, तो मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया और आज करीब करीब 18 साल हो गए हैं उस काम को करते हुए जी। तो नदी पुत्र आपको एक उपाधि मिली है, इस पे मैं खास ध्यान देना चाहूंगी कि नदियों में के क्षेत्र में तो आपने काफी चीजें की हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर इनसे जुड़ी हुई भी कई आपने अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किया कि कैसे अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैं लेकर आऊँ तो उसमें आपका क्या? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट लगभग 2001 या 2002 के आसपास ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला जो रेन सेंटर था वो चेन्नई में स्थापित किया गया था, उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थी जयललिता जी। तो उसके बाद क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक नई टेक्निक थी तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने अपने कुछ इंजीनियर जो हमारे साथी थे उनको हमने भारत सरकार से ट्रेनिंग दिलाई उसकी और उनको एक्सपर्ट बनाया कि कोई भी अगर टेक्निकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मैपिंग किया जाए, उसका नक्शा बनाया जाए, उनको दे दिया जाए। तो अभी करीब करीब वेस्टर्न यूपी में हम 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बना चुके हैं। इसके अलावा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश में जल संरक्षण को लेकर जितने भी अभियान आपने चलाए हैं अब तक, उसमें कितनी सफलता आपको मिली है, कितने लोग जुड़े, या फिर कुछ ऐसी कमियां रही हो जो या तो आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, या जितना भी जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा वो थोड़ा सा आप शेयर करें। देखिए, पानी की समस्या एक बड़ा गंभीर संकट अब देश के सामने है। पानी को लेकर के खाली जागरूकता होना ही काफ़ी नहीं है, उस पर एक्शन होने की आज ज़रूरत है। हमने जो प्रयास किए थे वो बच्चों को लेकर के हमने ज़्यादा प्रयास किए थे स्कूल्स में, वो तो बच्चों को अगर समझा दिया जाए तो एक सफलता है, लेकिन अभी जो संकट है वर्तमान में वो संकट बड़ा गहरा है। उसके लिए हमें सरकारों को हेल्प करनी होगी पब्लिक को। उसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर हैं पानी को संजोने के, क्योंकि पानी का स्रोत केवल बारिश है जी। अगर बारिश के पानी को हम व्यर्थ ना जाने दें, अगर उसकी एक एक बूंद को हम जमीन के अंदर भेज दें, यही हमारा संदेश भी है, तो उसके जो स्ट्रक्चर हैं जैसे तालाब हैं, पोखर हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, बिहार में आहार पाइन है, फड़ प्रणाली है, तो इनको हमें रिवाइव करना होगा। उसको रिवाइव करने में जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, रिसोर्सेज सरकार उपलब्ध कराए और पब्लिक उसको उनका हेल्प करे, उनको मूवमेंट बना करके उनको कब्जाए ना कम से कम उनको साफ करे। तो जो बारिश का हमारा पानी है जब वो जमीन के नीचे जाएगा तो उसके दो फायदे हमें दिखते हैं, एक तो वाटर टेबल ऊपर आएगा, दूसरा जो नीचे पोल्यूशन हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आज ग्राउंड वाटर में देखा जा रहा है, उसका भी डाइल्यूशन होगा। तो इसको लेकर के हमारे बहुत सारे कैंपेन अलग अलग चल रहे हैं। एक हमने भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी अप्रोच किया था तालाब विकास प्राधिकरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार का भी लगभग ड्राफ्ट तैयार है, अब वो देखते हैं कब तक वो उसको विधानसभा में ला करके पारित कराते हैं। तो तालाबों की अगर हम बात करें तो कई तालाब ऐसे हैं जिन्हें नदी पुत्र ने उन्हें कब्जा मुक्त कराया है, उसमें काफी दिक्कतें भी आई होंगी, तो कैसा था वो आपका सफर? देखिए, तालाब जो गांव में या शहर में कब्जाए हुए हैं वो ज्यादातर लोग, एक तो स्वार्थी तो वो है ही, लेकिन 5% है और थोड़े से वो दबंग टाइप के भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं को कुछ फ्री की चीजें मिलती हैं तो वो चाहते हैं कि इनको कब्जा लिया जाए, तो अगर उनसे भिड़ा जाए तो वो अपनी दबंगई दिखाते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ कठिनाइयाँ, कुछ तालाब हमने प्रशासन की मदद से खाली कराए, कुछ हमने समझा करके खाली कराए, कुछ हमने जनता के सहयोग से रिवाइव किए, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी देखने को मिली जहाँ बहुत ज़्यादा टकराव हुआ, बहुत ज़्यादा समस्या आई और वो खाली नहीं हो पाए। लेकिन हम ये कहेंगे 95% हमें सफलता मिली और हमारे पास आज भी, मुझे इस बात का गर्व होता है कि जो काम प्रशासन का है, लोग प्रशासन के पास न जाकर के हमारे पास आते हैं कि हमारे गांव का ये तालाब है, आप इसको खाली करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करवाएंगे। हर हफ्ते मुझे लग रहा है 8 से 10 एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं, 8 से 10 लोग ऐसे आते हैं कि हमारे गांव का तालाब है, आप इसको खाली करा दीजिए।
मैं जब उनको कहता हूँ कि आप डीएम को दीजिए, कमिश्नर को दीजिए, वो ले नहीं, नहीं आपके थ्रू जाएगा तो हो जाएगा, तो ये विश्वास है उनको बिल्कुल इसे बनाए रखने के लिए आप आगे भी बहुत सारे कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं रमन त्यागी जी की खासियत की बात करूँ तो उनकी खासियत ये है कि वो कभी ना रुकने की सोचते हैं और जो उनके साथ जुड़ जाते हैं ना ही उन्हें रुकने देते हैं। इसके चलते उन्हें 2013 में इंटरनेशनल ग्रीन हीरो का अवार्ड भी मिला, उसके बारे में आप थोड़े से शेयर करें। देखिए एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, उन्होंने पहले तो एक इंटरनेशनल ग्रीन हीरो अवार्ड हमको ऑफर किया जो हमको उन्होंने दिया, उससे पहले ग्रीन एप्पल अवार्ड भी उन्होंने हमको दिया था। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार, तो मेरा ये मानना है कि आप अगर काम करेंगे वास्तव में तो जनता आपको या समाज आपको पहचानेगा, समाज आपको कहेगा कि आपने अच्छा काम किया है। तो दिक्कत ये है कि आज हम काम करने में पीछे रहते हैं, हम पुरस्कार चाहते हैं, ऐसा समाज तो पुरस्कार अपने आप देता है। अगर आपने अपने मन का काम किया है जिसमें आपके मन को तसल्ली है, जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए वही आपका पुरस्कार है। और ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देश ही नहीं विदेशों तक का दौरा कर चुके हैं, आज तक 9 देशों में वो खुद से नहीं बल्कि बकायदा बुलाए गए हैं, उन्हें वहाँ पे सम्मान दिया गया है। उनका एक एक करके सफर तो यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कुछ जो बहुत ही खास रहे हैं वो सफर आप जरूर जनता को बताएं ताकि वो भी आपकी शख्सियत से थोड़े प्रभावित हो। मुझे पहली बार 2009 में इस्तांबुल जाने का मौका मिला था, वर्ल्ड वाटर फोरम था, 5th वर्ल्ड वाटर फोरम, तो वो फर्स्ट टाइम मैं किसी विदेश यात्रा पे गया था। तो उसमें पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं जो जल पानी की समस्याओं से, पानी के विभाग से या पानी की चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो उसमें पूरे दुनिया की पानी की समस्याओं पर चर्चा होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, एग्जीबिशन होती है। तो वहाँ जाकर के जब हमने देखा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, तो एक तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा एक मुझे यूएस 2 बार जाने का मौका मिला, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, तो उनके भतीजे हैं कैनेडी जूनियर, वो एक वर्ल्ड वाटर कीपर अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन संचालित करते हैं, उसमें पूरी दुनिया के जो नदियों पे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हर साल वो करते हैं, पिछली बार हम यूटा में गए थे साल्ट लेक सिटी में, इस बार बफेलो में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहाँ पर सर एक बात बताइए कि आपने इतने देशों में कॉन्फ्रेंस किया, सभी देश के लोग वहाँ पर आए, तो क्या भारत कहाँ पर पिछड़ रहा है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की जरूरत पड़ती है कि उन्हें जल संरक्षण करना कितना जरूरी बन गया आज के टाइम पर, कि आपका जो पानी आप पी रहे हैं जिससे आप जीवित हैं वही बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है, तो क्या कारण है जो हमारा देश अभी भी दूसरे देशों से पीछे? देखिए उसके 2-3 मुख्य कारण ये हैं। एक तो उन देशों में हमने देखा, मैंने 7-8 नदियाँ अमेरिका की विजिट की जी। उसमें जेनेसी रिवर है, पोटोमैक है जी। तो वो नदियाँ साफ़ क्यों हैं, मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि हमारी नदियाँ तो साफ़ नहीं हैं। तो उन्होंने कैसे किया, मैंने भी यही सवाल उनसे किया जॉन कैनेडी से, तो उन्होंने बताया कि हमने, हमारी सरकारों ने सख्त नियम बनाए, नियम कायदे बनाए और उनको सख्ताई से लागू किया, और उसके साथ साथ पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया उन नियम कायदों को, तो तब वो उसमें सफलता पा सके। लेकिन हमें भी उसी पे चलना होगा। अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का ग्राउंड वाटर बिल अटका हुआ है, अगर वो ग्राउंड वाटर बिल आ जाए तो हम पानी की बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बिल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ग्राउंड वाटर बिल बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट किया है, वो लगभग फाइनल स्टेज में है, उसको कानून का रूप लेना है। उस बिल के माध्यम से जो पानी का दोहन अधिक करते हैं उनके ऊपर टैक्स की व्यवस्था है, 7.5 हॉर्स पावर से जो बड़े मोटर हैं उनके ऊपर टैक्स की व्यवस्था है, लोग समरसेबल नहीं लगा सकेंगे बिना परमिशन के, तो ऐसे कुछ उसमें प्रावधान हैं जिससे कि पानी का उपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग नहीं। तो जब तक पानी का दुरुपयोग बंद नहीं होगा जब तक हम उसकी समस्या निजात नहीं पाएंगे। तो इस पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये माध्यम है कि आप जनता तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, तो कोई एक मैसेज आपके पास जरूर होगा दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, तो वो एक हमारे चैनल के थ्रू आप एक मैसेज दें कि जल संरक्षण क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। देखिए हमें जो जीवन मिला है ये 5 तत्व से बना है, यही 5 तत्व हमारा मूल आधार है, इन्हीं को हमें बचाना है। हमारा एक कर्तव्य भी है कि जो जीवन है हमारा हम इन 5 तत्वों की रक्षा करें जिनसे हमें ये जीवन मिला है। उसके लिए हमें क्या करना है वो हमें खुद सोचना है। क्या हमें पानी पीते हैं तो ये पानी कहाँ से आता है,
तभी हमें एक घंटे बैठ करके सोचना चाहिए दिन में कि ये जो पानी आता है ये लाखों सालों में ज़मीन के अंदर इकट्ठा हुआ है जिसको हम पी रहे हैं, क्या मेरा कुछ योगदान है इसको संरक्षित करने में? अगर नहीं है तो मुझे करना चाहिए। जो मैं हवा सांस के थ्रू अंदर ले रहा हूँ, क्या मेरा उसको शुद्ध बनाने में, ऑक्सीजन बढ़ाने में कुछ योगदान है? अगर नहीं है तो उसको करना चाहिए। जिस नदी के किनारे मेरा जन्म हुआ या हमारी सभ्यता पली बड़ी विकसित हुई, क्या उसको संरक्षित रखने में मेरा कुछ योगदान है? अगर नहीं है तो करना चाहिए। योगदान के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कसला चलाना है। कुछ लोग आर्थिक योगदान करते हैं, कुछ लोग मेहनत करके करते हैं, कुछ लोग पॉलिसी बना करके करते हैं। तो एक ही काम है, पानी का काम बातों से नहीं चलेगा, पानी का काम पानी के काम से ही चलेगा, उसको बचाने से चलेगा, उसके संरक्षण से चलेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि देश भर में जल को लेकर जो समस्याएं हैं वो आगे भविष्य में कितनी ज्यादा और गंभीर रूप ले सकती हैं, इसलिए जल को आज ही संरक्षित करें। कृपया जल को आप किसी भी तरीके से आप उसको वेस्ट ना करें। सेव वाटर, सेव इंडिया, सेव योर लाइफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से रवि त्यागी जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर से लौटेंगे एक और महान शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।